जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग तर सके वैसी अनसकड़ी की सामग्री पाइनएप्पल का शीरा बनाना सीखेंगे, जिसे हम पाइनएप्पल का हलवा भी कहते हैं। इसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है और ये बहुत ही सुंदर और प्रभु लायक सिद्ध होता है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए, और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। और मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाइनएप्पल का शीरा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप यानी कि 200 ग्राम मीडियम साइज के टुकड़ों में कटा हुआ फ्रेश और मीठा हो वैसा पाइनएप्पल लिया है। पाइनएप्पल को काटते वक्त उसके बाहर जो कांटे हो और बीच में जो सख्त पार्ट हो उसे निकाल दें। अब पाइनएप्पल को हम एक सॉस पैन में ऐड करेंगे और उसी कप के नाप से हम उसमें 2.5 कप जल यानी कि पानी ऐड करेंगे। अब गैस चालू करके मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर जब तक पानी उबलने लगे और पाइनएप्पल सॉफ्ट हो जाए तब तक हम उसे कुक करेंगे। अब दूसरे गैस पर एक हैवी बॉटम कढ़ाई रखें और उसमें आधा कप देसी घी लेकर उसे लो फ्लेम पर गर्म करें। आपके घर में जो भी कटोरी या कप हो वो लेकर आप सभी मेजरमेंट फॉलो करोगे तो हलवा बहुत ही सुंदर सिद्ध होगा। घी थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम उसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे। अभी मैंने जो सूजी ली है वो थोड़ी मोटी वाली है, उसकी जगह पर आप बारीक रवा भी ले सकते हैं। अब सूजी को घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक सूजी अच्छे से भून जाए और उसमें से थोड़ी खुशबू आने लगे तब तक हम उसे इस तरह से स्पैचुला की मदद से चलाते रहेंगे। सूजी को भुनने में करीबन 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। किसी भी प्रकार का हलवा बनाते वक्त आटे को या सूजी को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुनें। अगर आप हाई फ्लेम पर भूनोगे तो वो लाल हो जाएगी। हम सब श्री ठाकुर जी को मान भोग में सूजी का या गेहूं के आटे का शीरा तो भोग धरते ही है, लेकिन उत्सव पर कुछ विशेष सामग्री करने की इच्छा हो तो इस तरह से पाइनएप्पल का शीरा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। 5 मिनट तक सूजी को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनने के बाद वो अच्छे से फूल गई है और उसमें से घी सेपरेट होने लगा है। अभी भी सूजी का रंग थोड़ा सुनहरा हो तब तक हम उसे 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। सूजी में से थोड़ी खुशबू आए तब तक हमें भुनना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में शीरा बनाओगे तो सूजी को भुनने में 15 मिनट का समय भी लग सकता है। दूसरे गैस पर सॉस पैन में पानी अच्छे से उबलने लगा है और उसके अंदर हमने जो पाइनएप्पल के टुकड़े ऐड किए थे वो भी बॉईल होकर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम बंद करें और पाइनएप्पल के टुकड़े और पानी को थोड़ा थोड़ा करके भुनी हुई सूजी में ऐड करते जाएंगे। शीरा बनाते वक्त जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो उससे थोड़ी बड़ी कढ़ाई का ही उपयोग करें ताकि पानी ऐड करते वक्त उसके छींटे ना उड़े। ये शीरा में हमने पाइनएप्पल का उपयोग किया है और जो स्वाद में खट्टा होता है इसलिए हमने उसके साथ पानी ऐड किया है। अगर आप रेगुलर शीरा बना रहे हो तो आप पानी की जगह गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। सारा पानी अच्छे से सूजी में एब्जॉर्ब हो गया है। अभी भी मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था इसलिए आधा कप गर्म पानी मैंने फिर से ऐड किया है। पानी का मेजरमेंट सूजी की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने 1 कप सूजी या रवा लिया हो तो उसके साथ आधा कप घी, 1 कप शक्कर और 2.5 से 3 कप पानी का उपयोग करोगे तो हलवा या शीरा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब सारा पानी सूजी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और उसमें से घी सेपरेट हो तब तक हम उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। 3 मिनट तक लगातार कुक करने के बाद सारा पानी सूजी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और वो स्पैचुला के ऊपर बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। इस तरह से सूजी कढ़ाई में से सेपरेट होने लगे तब हम उसमें स्वादानुसार या 1 कप यानी कि वजन में देखने जाए तो 200 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे। आप श्री ठाकुर जी को जितना मीठा आरोग आते हो उसके मुताबिक थोड़ी कम या ज़्यादा शक्कर ऐड कर सकते हैं। अब शक्कर को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करें और वो मेल्ट हो जाए और उसका पानी बने
और पानी भी अच्छे से जल जाए तब तक हम उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। अब दिवाली के त्यौहार में कुछ ही दिन शेष है, आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हो और आपको कम समय में कोई यूनिक मिठाई तैयार करनी हो तो आप ये पाइनएप्पल का शीरा बना सकते हैं। धीरे धीरे शक्कर मेल्ट होने लगी है और उसका पानी बनने लगा है। अभी आपको हलवा थोड़ा लूज लगेगा, लेकिन जैसे जैसे शक्कर का पानी जलेगा वैसे वो थोड़ा सख्त हो जाएगा। थोड़ी देर तक कुक करने के बाद शीरा में से इस तरह से घी सेपरेट होने लगे, फिर उसमें चुटकी भर इलायची पाउडर, एक बड़ा चम्मच पिस्ता की कतरन और एक बड़ा चम्मच बादाम की कतरन ऐड करेंगे। ये हलवा में मेन फ्लेवर पाइनएप्पल का ही रहेगा, इसलिए इलायची पाउडर का उपयोग ज़्यादा ना करें। गर्मा गर्म पाइनएप्पल का शीरा बनकर तैयार है, गैस की फ्लेम बंद करें। तो आप भी श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए ये पाइनएप्पल का शीरा घर पर अवश्य बनाएं। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी श्री प्रभु को सुहाए वैसी सामग्री एवं सात्विक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक करें। तो फिर से मिलेंगे एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।